नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शोर अब थम चुका है। चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है घर घर जाने की, यानी अब तमाम उम्मीदवार घर घर जाकर अब अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब तक जिस तरीके से रैलियां तमाम पार्टियों की तरफ से की गई हैं, उस पर क्या जनता विश्वास कर पाएगी? चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की बात कर ली जाए, या हरियाणा में चौटाला की और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की बात की जाए, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में महाराष्ट्र और हरियाणा का रण क्या कुछ कहेगा, ये जनता पर निर्भर है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीतिक बिसात बीत सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आखिरकार थम गया। चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए एसएमएस के जरिए प्रचार करने पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर कोई एसएमएस से प्रचार करता हुआ पाया गया तो उसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए मोबाइल फोन पर भी शिकायत करने की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस ने जहां प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं हरियाणा के चुनावी मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी के दिग्गज प्रचार के आखिरी दिन वोटरों को रिझाते दिखे। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने प्रचार अभियान की कमाल संभाल रखी है। भाइयों और बहनों, हमको 60 साल के कामों के हिसाब के प्रमाण पत्र की किसी से जरूरत नहीं। कांग्रेस के 7 साल का हिसाब तो सबके सामने है। वहीं मिशन विधानसभा पर निकले पीएम मोदी के निशाने पर सभी विरोधी दल रहे। मोदी के आक्रामक चुनाव प्रचार के चलते महाराष्ट्र और हरियाणा में सभी के निशाने पर मोदी ही रहे। इस दौरान पीएम ने लोगों से भरोसा बनाए रखने की अपील की। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप ही मेरे मालिक हैं। ये जनता जनार्दन, यही मेरा हाई कमांड है। और इसलिए आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा, ये मुझ पे भरोसा कीजिए भाई। अब जबकि चुनाव प्रचार थम चुका है, गेंद अब पूरी तरह जनता के पाले में है। जनता किस पर भरोसा जताएगी और किसे नकारेगी, इसका फैसला अब 15 अक्टूबर को ही होगा। जनता का फैसला क्या होगा, इसका पता 19 अक्टूबर को चलेगा। दर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। तो तमाम कोशिशें जो तमाम पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से की गई हैं विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए, वो अब कहीं ना कहीं थम गई हैं। सवाल यह है कि जनता किसे यहां पर मौका देने वाली है? कांग्रेस की हैट्रिक होगी हरियाणा के अंदर, या एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा था, हालांकि अब दोनों का गठबंधन महाराष्ट्र में टूट चुका है, अब उसमें से किसे मौका मिलेगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर देखने को मिलेगी? बीजेपी के लिए कम से कम यह सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का एक लहर देखने को मिली, या ये कह सकते हैं कि एक वर्चस्व देखने को मिला, क्या वही वर्चस्व मोदी का एक बार फिर से देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर सामने है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ेगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ पहले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं। दुर्गेश जी, अब तक हमने जो लोकसभा चुनाव में तस्वीर देखी थी, जिसमें ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई, वो मोदी वर्सेस ऑल की थी। विधानसभा चुनाव में भी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी बनती दिख रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये रिपीट टेलीकास्ट एक बार फिर से होगा या नहीं होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड पर एक बार फिर से दांव लगाया। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है सुमित, आपकी बात सही है, क्योंकि जिस तरह से, जिस तेजी के साथ
नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये माना जाना चाहिए। और उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, तो निश्चित रूप से एक समीकरण तो बनता हुआ दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन यहां सवाल बड़ा है, यहां सवाल यह है कि जो एक पचरंगी जो तस्वीर दिख रही है हमको महाराष्ट्र में, और आपका कांग्रेस और एनसीपी का जिस तरह से विघटन हो गया, और अब बीजेपी और शिवसेना अलग हुए हैं, और अब जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे भी इसमें सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो पचरंगी तस्वीर क्या निकल करके आएगी ये अभी कह पाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो एक ग्राउंड पे जो एक तस्वीर जो उभर करके आ रही है, जो कि हमको रैलियों के माध्यम से दिखाई पड़ रही है, उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिम्मा संभाला था, एक बार फिर से उन्होंने जिम्मा संभाला है, उपचुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, क्या बीजेपी को यह लगा कि अगर मोदी ब्रांड का इस्तेमाल ना किया जाए तो उसके जो सेकंड लाइन के नेता हैं, जो राज्यों में इस वक्त कमान संभाल रहे हैं, शायद वो उस कमाल को नहीं दोहरा सकते हैं? क्या ये चीज जहन में चल रही थी? तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि लोकसभा में जो जीत हुई है वो सिर्फ मोदी की थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अलायंस टूटने के बाद भाजपा को ये एहसास हुआ कि जब प्रचार का जो दौर चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अगर वो नरेंद्र मोदी को नहीं उतारते हैं, तो जिस तरह से जो पीछे के दिनों में जो बाई इलेक्शन हुए थे और उसमें जो नतीजे आए थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी का कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा लूज हुआ है। और जो विपक्ष है, विपक्ष इस बात को लगातार हाईलाइट भी कर रहा था कि भाई देखिए, लोकसभा की बात अलग थी, विधानसभा में तमाम स्थानीय मुद्दे होते हैं और दूसरे तरह के जाति समीकरण भी उभर करके सामने आते हैं। तो जब वहां से अमरीका से यात्रा खत्म करके जब प्रधानमंत्री आए हैं, तो उस सीधे आनन फानन में उन्होंने जो है जिस तेजी के साथ अपनी रैलियां शुरू की, उससे तो यही संकेत मिलता है सुमित कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अगर वो प्रधानमंत्री को इसमें नहीं उतारते हैं तो शायद बाजी हाथ से निकल जाएगी। तो गठबंधन जो टूटे हैं, अगर बीजेपी की बात कर ली जाए हरियाणा में हजका की तरफ से और उधर शिवसेना, महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो काफी मजबूत गठबंधन कहा जा सकता है। हजका को अगर आप कम भी आंकते हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों के बीच में क्या बीजेपी को ये लगता था कि अब इस गठबंधन टूटने का नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी वहां पर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का जितना बड़ा फायदा बीजेपी और शिवसेना को हो सकता था, जब ये अलायंस टूटा है, क्योंकि लोकसभा में जितने बड़े पैमाने पर इनकी जीत हुई और एक सशक्त सरकार जो केंद्र में दिख रही है, उससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं। भाजपा अब जितने भी राज्यों में, अभी हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, वो एकला चलो की पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ रही है। वो पहले नंबर्स देखना चाहती है कि आखिर चुनाव में हमारे पास नंबर्स कितने आएंगे। उसको ऐसा लगता है कि मोदी का जो मैजिक है अभी भी ग्राउंड पे काम कर रहा है। जो देश का जो युवा है, वो चाहे हरियाणा का युवा हो, चाहे महाराष्ट्र की जो मराठी मानुष हो, उसमें भी मोदी का मैजिक चलेगा। तो ये बात जो अमित शाह एंड पार्टी थी, उसको ये इस बात की रियलाइजेशन थी। तमाम राज्य मंत्रियों को भी झोंका गया है जो वहां पर हरियाणा में और लगातार महाराष्ट्र में चुनावी दौरा कर रहे हैं और वहां की पल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई कि उन्हें ये लगा कि अगर प्रधानमंत्री खुद कैंपेनिंग करेंगे, जिस तरह से कि जितनी असरदार और प्रभावी कैंपेनिंग प्रधानमंत्री कर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एक बढ़त तो बनाएगी, लेकिन अब यह होगा कि मार्जिन कितना बड़ा होगा, ये तो अब चुनाव होने के बाद 19 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। एकला चलो नीति की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर वो बीजेपी की, किसी की भी नीति वो हो सकती है, लेकिन इस एकला चलो नीति का क्या मैसेज लोगों के जहन में ये नहीं गया होगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है? मुझे लगता है कि बिल्कुल गया होगा, क्योंकि 25 साल पुराना गठबंधन था। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें सुमित, तो निश्चित रूप से जो एक मराठी मानुष का जो एक सेंटिमेंट है, वो नेचुरली शिवसेना के साथ जाता है, क्योंकि वो जिस आधार पर उस पार्टी का गठन हुआ था और जिस आधार वो उसका जो तेवर है, जो कलेवर है, वो सीधे आइडेंटिफाई करता है मराठी मानुष उससे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बात का, मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान होगा, क्योंकि एक पुराना गठबंधन था और एंड मौके पर अब आप देखिए कि अगर दोनों पार्टियां एक साथ होती तो कम से कम आज एनडीए में जो 18 उनके जो सांसद हैं शिवसेना के, जो एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वो एक मजबूती दांव पर लगी हुई है। दूसरी बात कि अभी राज्यसभा में एनडीए जो है अल्पमत में है, अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती और
बहुमत इनका बनता जो कि एक बहुत मजबूत बहुमत बनता तो इसका सीधा फायदा जो है एनडीए को राज्यसभा में भी मिलता जहां उसको बहुमत की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि नुकसान केवल शिवसेना का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक नुकसान दिख रहा है, लेकिन पार्टी के चूंकि हौसले नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एकदम बुलंद है और उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं 140 से 50 के बीच में स्कोर करेगी, ऐसा तमाम नेताओं से जो मेरी भी बातचीत हो पाई है उसमें ये बात निकल कर आ रही है। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए, अगर एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी चुनावी कैंपेनिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दारोमदार लेकर चल रही है, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भरोसा अभी भी है जिस तरीके से रैलियां देखने को मिली हैं, लेकिन इन चुनावी रैलियों में और लोकसभा चुनाव के बाद अब तक की इन परिस्थितियों में ऐसा क्या बदलाव आ गया है जिसे जनता नोटिस करेगी इस चुनावी कैंपेन में जो आपने देखा? देखिए मुझे ऐसा लगता है सुमित कि कांग्रेस कैंपेनिंग भले कर रही हो और सोनिया गांधी को जिस तरह से अब आ करके और कमान संभालनी पड़ी है ये कहीं ना कहीं एक हताशा को भी जो है दर्शाता है। और आप थोड़ा सा अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाएं तो जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तब तक इंतजार करती रही जब तक कि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूटा नहीं, ये गठबंधन टूटने के कुछ ही देर में जो है शरद पवार जी ने अलायंस को ब्रेक कर दिया कांग्रेस में। ये उनका वो कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनको ये पूर्णतया भरोसा है कि अभी जो है कांग्रेस सत्ता में आने नहीं जा रही है और इसी आधार पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि केंद्र में एक भाजपा की सशक्त सरकार है, उनको पता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक लीडिंग पार्टी होगी तो आगे चल करके अलायंस की संभावनाओं को ओपन रखते हुए उन्होंने इस अपने पुराने 15 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान करके चल रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान है वो कांग्रेस को होगा, लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पचरंगी एक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है ये तस्वीर किस करवट बैठेगी। और अभी जो भाजपा के लोगों से बातचीत हो पा रही है तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमको इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि महाराष्ट्र की कैसी तस्वीर होगी। पांच पार्टियां जिसे पचरंगी, यहां पर दुर्गेश जी कह रहे हैं क्या वैसी तस्वीर यहां पर बन सकती है और साथ साथ हरियाणा में क्या त्रिशंकु बनेगी? सवाल यह भी है, सवाल यही है कि अब आगे किस तरीके की तस्वीर जनता के सामने आने वाली है। सुदेश वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुदेश जी आपको क्या लगता है, आपका एनालाइज इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से सामने आया है या जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37 रैलियां करते हैं जबकि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 7 रैलियां की जाती हैं, तो ज्यादा फोकस किसका नजर आ रहा है? सिर्फ रैलियों के दम पर फोकस को आंका जाएगा क्या? जी नहीं सुमित जी, देखिए एक बहुत बड़ा ये जो चुनाव है ना दोनों स्टेट्स में, एक बहुत बड़ा चुनाव इस मुद्दे है कि ये इंडिकेट करेगा कि देश किस ओर जाएगा। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या है, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अगर जिताने की बात की है तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जिताओ क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। पहली बार मैंने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से वोट मांगते देखा कि मुझे काम करने का एक अवसर दो। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन इतना डेलिकेट है, अगर इसको लोग समझ पाएंगे और जो नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कैंपेन में समझाने की कोशिश, तो सभी कहेंगे ना कि अब तक हमने 15 साल काम किया है, जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार कह रही है या हरियाणा के अंदर नंबर वन हरियाणा बन गया है ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और अगर आप आगे डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें वोट दें, ये तो सब लेकिन काम नहीं किया ना उसमें, यही तो बात है। देखिए दो तरह की चीज होते हैं, एक तो होता है कि एक कुर्सी पर आप किसी को भी बैठा दीजिए तो एक नॉर्मल फाइल की तरह से डेवलपमेंट के प्रक्रिया होंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता, और एक को आप बदल दीजिए दूसरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक होता है लीडर होता है जो आता है और एक दिशा देना चाहता है कि वो देश को स्टेट्स को कहां ले जाना चाहता है, ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप हरियाणा की बात करें, आपके मुद्दे पर अगर हम आ जाएं तो आप देखिए हरियाणा में आप हुडा सरकार को कैसे जानते हैं, वहां के क्या वाड्रा डील को आप भूल जाएंगे क्या, वहां जितने भी लैंड स्कैम्स हुए हैं कन्वर्जन में क्या उसको भूल जाएंगे, करप्शन भूल जाएंगे क्या, वहां जो गुंडागर्दी होती है उसको भूल जाएंगे क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि वहां का जो जाट बहुमूल्य है जो 23% है क्या वो इन सब चीज को नजरअंदाज कर देगा सिर्फ इसलिए कि वो एक जाट मुख्यमंत्री चाहता हो और उसे लगता हो हुडा सबसे अच्छे हैं? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग जो है ना बहुत उम्मीद के साथ अब एक नए भारत की कामना कर रहे हैं जहां डेवलपमेंट हो हर जगह। सेंटर क्या है, अगर आप प्रधानमंत्री हैं और स्टेट पर आप कुछ नहीं कर रहे तो प्रधानमंत्री किस चीज के हैं आप? सेंटर में ही इंप्लीमेंट होना है, नहीं स्टेट में ही इंप्लीमेंट होना है। आप जो यहां पर मैं जातिगत जो यहां पर वोटिंग होती है, और कम से कम हरियाणा को तो उसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से वहां पर राजनीति की जाती है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां का जो जाट वोटर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट दे देगा और वो INLD की तरफ से चौटाला का चेहरा नहीं देखेगा, हालांकि वो जेल जा चुके हैं, उस पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं बात अलग है, लेकिन
हुड्डा से अलग जाकर या आईएनडी से अलग जाकर बीजेपी में किस चीज की तलाश की जाएगी? आप एक बात बताइए सुमित जी, आपके उत्तर का एक प्रश्न से जवाब देता हूं कि 10 सीट में से 8 सीट बीजेपी लड़ी अलायंस में और 7 सीट बीजेपी जीत गई, वही जाट बहुत से महेंद्रगढ़ वाला बेल्ट जो है पूरा जाट बेल्ट है, दरअसल यहाँ वहां भी जीती नहीं, यहाँ दरअसल एक डिफरेंस ये है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, यहाँ मोदी चेहरा है लेकिन वो सिर्फ केंद्र में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो दोनों इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री या कैंडिडेट पर वोट मिलता है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये इस बार इसलिए मैंने शुरुआत की आपकी जब मुझसे पूछा कि ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है, क्योंकि देखिए चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है, एजेंडा है कि गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना है, एजेंडा है एक नए देश, जो मैं आपको बता रहा था प्रधानमंत्री अगर आप हैं और स्टेट में आप कुछ नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट के पास देखिए लैंड है, लैंड रिफॉर्म अगर करना है स्टेट से होना है, स्टेट के पास एजुकेशन है, आपको एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं तो स्टेट को आप बाध्य नहीं कर सकते, उसी तरह आप अगर करप्शन पर चेक करना चाहते हैं तो स्टेट लेवल में होना है, आप पुलिस में रिफॉर्म करना चाहते हैं तो स्टेट लेवल में होना है, तो ये सारे एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स जो है वो तभी हो पाएंगे जब स्टेट में ऐसी सरकार हो जो उस विजन को समझती हो और इंप्लीमेंट कर सके, और यही कारण है मुझे लगता है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले गई और महाराष्ट्र में भी अकेले गई, क्योंकि क्योंकि इन्हें चाहिए था कि अगर आपका अपना मुख्यमंत्री नहीं है, अपना लीडर नहीं है तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मान लीजिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री है अगर वो सारे बातों को मान जाए, यहां से आप स्कीम भेजते हैं और वो स्कीम को इंप्लीमेंट ही नहीं करे तो नुकसान किसका होगा, जनता का होगा, और जनता ये चीज समझ रही है, और यही कारण है कि और नरेंद्र मोदी के सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ कर आई है, एकदम लोकसभा जैसा ही दर्शन लग रहा था कि इतने लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी बहुत बड़े कन्वर्टर ऑफ क्राउड है, क्राउड को वोट में कन्वर्ट करना, ठीक। दरअसल इस पूरी परिस्थितियों के बीच में एक जो सवाल मुखर हो जाता है, हरियाणा की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव की बात भी यही बात थी, लेकिन उस वक्त एक चेहरा था, इसी बात को मैं दोबारा फिर से लाना चाह रहा हूं, इस वक्त अगर विरोधियों की बात कर ली जाए कांग्रेस से खासकर, कहा जा रहा है कि बीजेपी और इनेलो हरियाणा के अंदर एक ऐसा जहाज है जिसके पास कप्तान नहीं है, क्या आपको नहीं लगता है दुर्गेश जी कि जहां पर हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं चेहरे के रूप में, और बीजेपी को वोट सिर्फ इसलिए दिया जाए क्योंकि वो केंद्र में है, मोदी का ये कैंपेन तब जब गठबंधन दोनों राज्यों में टूट चुका है पार्टी का, सवाल ये है कि इससे परिस्थितियां और ज्यादा मुश्किल नहीं हो गई हैं, रिस्की सिचुएशन नहीं है बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि बिल्कुल रिस्की है, लेकिन जिस तरह से अभी केंद्र में ये पार्टी काबिज हुई है सुमित, तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी को बड़ी सफलता मिलती है तो उसके हौसले बुलंद होते हैं, और इसीलिए नहीं, यहाँ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है ना? हाँ नहीं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अब हो सकता है कि जब हाई रिस्क हाई गेन वाली बात है, अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पहले वो नंबर्स जो उसको लगता है कि वो अपने बलबूते ही एक बड़ा नंबर दोनों राज्यों में स्कोर कर सकती है, तो इसी के चलते जो है हरियाणा की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, गठबंधन टूटे और पुराने गठबंधन टूटे, तो जाहिर सी बात है कि मैसेज जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के जो रैलियों में भीड़ उभर करके आ रही है, और जो एक बात हो रही थी कि भाई चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जो मोदी का मैजिक है वो खत्म हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अब आप नहीं कह सकते, क्योंकि वाकई जैसा कि अभी साथी पत्रकार कह भी रहे थे कि जो लोग हैं वो अभी कहीं ना कहीं उनको मोदी पर भरोसा है, वो उनको एक ट्रस्ट है, अब वो कितना ट्रांसलेट हो पाएगा वोट में ये देखने वाली बात है। सुदेश जी, हाई रिस्क और हाई गेन वाली सिचुएशन बीजेपी अपना रही? देखिए गेन तो बीजेपी को है ही, एक इमेजिन करिए सिचुएशन जहां की आप मानिए कि बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है थ्योरेटिकली, उसमें भी बीजेपी कहां से कहां नंबर जाएगी हरियाणा में, कोई नहीं बोल रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगी या बीजेपी इंप्रूव नहीं करेगी, तो बीजेपी का इंप्रूवमेंट तो 100% से भी ज्यादा होना है, क्योंकि वजूद ही नहीं है हरियाणा में। महाराष्ट्र में चले जाइए तो शिवसेना से अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया था कम सीट लड़ने के बावजूद, ठीक है, और आज भी बीजेपी उससे हो सकता है डबल से भी ट्रिपल से भी ज्यादा सीट ले आए, भले ही वो अपने पर सरकार ना बना पाए, उसको अलायंस के पास जाना पड़े। महाराष्ट्र में तो लड़ाई इसकी थी सारे पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी, मुख्यमंत्री किसका हो, कोई सबसे क्रूशियल तो वो था, तो मुख्यमंत्री कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो और ऑप्शन ही क्या था, और बीजेपी इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी, और मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो सुमित जी आप मान लीजिए कि बाकी जहां भी चुनाव होने हैं
आगे जाके बिहार में होने हैं, दिल्ली में होने हैं, झारखंड में होने हैं। ये चेहरा जो है सिर्फ मोदी का ही चेहरा होगा, मोदी चेहरा नहीं है, चेहरा गुड गवर्नेंस का है, चेहरा है कि हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं, वो चेहरा होगा। और मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट नहीं, यहां जो बात की जा रही है वो मोदी मैजिक की जा रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या हरियाणा की। और बीजेपी आप मानिए मत मानिए कहीं ना कहीं इसी ब्रांड को भुनाने की कोशिश में है। सवाल यह है कि उपचुनाव में फिर वो जो ब्रांड था वो काम क्यों नहीं करता है? क्या मोदी की कैंपेनिंग से ही लोगों के पास वो मैसेज जाता है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद से एकदम से परिस्थितियां बदल गई थी और वो मैजिक अब वापस आएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, मैंने बहुत कोशिश की इसको एनालाइज करने की, और पूरा हिस्ट्री इतिहास है कि बाय इलेक्शंस जहां भी होते हैं वो रूलिंग पार्टी के फेवर में जाते हैं, क्योंकि बाय इलेक्शंस छोटे मोटे सीट कुछ सीट्स के लिए होते हैं, वो सरकार बदलने के लिए बाय इलेक्शन नहीं होते हैं, तो वहां नेचुरल एडवांटेज होता है जो रूलिंग पार्टी है उसको। और बहुत बीजेपी को सोचने की बात थी गुजरात में क्यों हारी एक सीट और राजस्थान में क्यों हारी, क्योंकि वहां रूलिंग पार्टी थी, ये ट्रेंड से विपरीत था। दूसरा ये कि कोई भी बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता कैंपेन करने नहीं गए, जो कभी नहीं जाते बाय इलेक्शंस में, क्योंकि बाय इलेक्शंस को बहुत लो प्रोफाइल रखा जाता। लेकिन बाय इलेक्शन एक मापदंड नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है सरकार बदलने की और सरकार बनाने की कवायद हो रही है। यहां ये नहीं है कि आप कुछ सीटों कुछ लोगों को जिता दीजिए, यहां तो आपको गवर्नेंस के लिए ऐसे सरकार को लाना है जो सरकार आपकी जिंदगी को बदल सके। यहां इशू यह है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, और चाहे वो आगे आने वाले स्टेट्स में जो चुनाव होंगे। नहीं सुधीर जी, ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से 22 इलेक्शंस होते हैं वो फेवर में उसी पार्टी के जाते हैं जिसकी सत्ता होती है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये उपचुनाव हुए, चाहे बिहार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उसी के बाद बीजेपी एक बार फिर से जागी है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रांड ना बनाने वाली सिचुएशंस थी, एक बार दोबारा फिर से उन्हें प्रोजेक्ट ना करने की जो सिचुएशंस थी वो इन उपचुनाव के बाद ही खड़ी हुई हैं, और शायद बीजेपी को लगा कि वो सेकंड लाइन खड़ी नहीं कर पाई अब तक। ये बात आपकी जो है ये सही है थोड़ा, कि अगर उपचुनाव जीत जाते तो शायद स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी, देखिए चाहे हरियाणा देखिए चाहे महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है बीजेपी के पास नेता नहीं है महाराष्ट्र में, बहुत नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो किसी को भी सेंटर से भेज सकते थे, मुख्यमंत्री या कैंडिडेट बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एजेंडा तो उसे गवर्नेंस का ही इंप्लीमेंट करना है। और आज मोदी जो है सबसे बड़े ब्रांड है और उनके पास क्रेडिबिलिटी है, लोगों को ट्रस्ट है कि मोदी जो है ना गलत करेगा ना गलत करने देगा, ना खाएगा ना खाने देगा। अगर ये क्रेडिबिलिटी जिस आदमी के पास है तो इसलिए बीजेपी ने इस व्यक्ति के ऊपर वोट मांगा है कि हम इनके अंडर काम कर रहे हैं, ये हमारे सबसे बड़े मुखिया हैं। ठीक है, ये यहां तक ठीक है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता दुर्गेश जी, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अगर मुंडे का जिक्र करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर आज मुंडे साहब जिंदा होते तो मुझे यहां आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उन तमाम बड़े नेताओं पर जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर नेतृत्व संभाल रहे हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो चुनावी प्रचार शोर खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने हैं, 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन सवाल यह है मोदी मैजिक जो लोकसभा चुनाव में दिखा था वो नजर आएगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, चाहे हरियाणा की बात कर ली जाए या फिर महाराष्ट्र की। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार बड़े स्तर पर सभी सियासी दलों को महाराष्ट्र हरियाणा में कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। बीजेपी के सामने पीएम मोदी की लोकप्रियता आंकने का मौका है, तो बाकी दलों के सामने अपनी अपनी खोई जमीन हासिल करने का। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही सूबों में सभी पार्टियों की मैराथन रैलियां हुई। अब जनता फुर्सत से अपने उम्मीदवारों के बारे में सोच सकेगी। बहुमत और ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए सभी पार्टियों ने दोनों राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से सही उम्मीदवार चुनने की अपील की। ये राज ऐसे ही नहीं आया, 40 साल के लगातार संघर्ष के बाद आया भाई, 40 साल संघर्ष किया, जहां भी रैली करी हमने, जहां भी पदयात्रा करी,
लगातार संघर्ष किया, बड़ी बड़ी ताकतों से टकराए हैं हम। तो एक बात सुन लो, राज आने में तो लगे हैं 40 साल और गलती कर दी जाने लगे 40 सेकंड। एक बार बटन गलत दबा 40 सेकंड में लगता है, बहुत सोच समझ के बटन दबाया। वही आजादी के बाद भारतीय राजनीति के पहले शोमैन बने पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की। इस हरियाणा का मुझे कर्ज चुकाना है, मैं हरियाणा का कर्ज चुकाना चाहता हूं, विकास करके ब्याज समेत ये कर्ज चुकाना चाहता हूं। भाइयों, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। अगर आप मुझे सेवा करने का अवसर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो विकास 50 साल में नहीं हुआ वो हमको 5 करके दूंगा। इंडियन नेशनल लोक दल के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनावी रैली की। हालांकि बादल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टी के पक्ष में प्रचार से एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग हैं। महाराष्ट्र में 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट चुका है, वही कांग्रेस एनसीपी भी अलग हो गई है। इसी तरह हरियाणा के घमासान में इस बार बीजेपी अकेली है। बीजेपी इस बार ना तो चौटाला की पार्टी INLD के साथ है और ना ही कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ। वही कांग्रेस के भी कई दिग्गज बगावत कर बीजेपी के साथ चले गए। डेरा सच्चा सौदा ने भी अपने अनुयायियों से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है महाराष्ट्र और हरियाणा में इस बार का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प साबित होने वाला है। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। दिनेश सिंह बीजेपी नेता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपसे ही मैं यहां पर अब चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मोदी मैजिक लोकसभा चुनाव में दिखा और इस वक्त आप लोगों के सबसे बड़े ब्रांड है मोदी, वही इंपैक्ट एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर सुमित जी, कितनी बार आप मोदी जी की परीक्षा लेंगे? मोदी जी की परीक्षा आप अभी 2014 के आम लोकसभा चुनाव में आपने ली, ठीक है, और उस परीक्षा में वो सिर्फ पास नहीं हुए हैं, हर विषय में डिक्टेंशन मार्क्स से पास हुए हैं और उनके पीछे कोई विद्यार्थी कहीं पीछे नहीं रहा। मतलब इतनी दूर हो थे कि पास ही नहीं हो पाए और आज सत्ता पक्ष में भाजपा है और आज विपक्ष में भी भाजपा है। विपक्ष नाम की दूसरी परीक्षा है, दूसरी परीक्षा है। मुझे लगता है जो आप मंथन दिखा रहे हैं वो मंथन हो गया है, मत दिया है, क्रीम बाहर आ गई है, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं आप देख लीजिए जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में है। सीधे सीधे जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं और कई ओपिनियन पोल में सर्वे में भारतीय जनता पार्टी। हम यहाँ पर ओपिनियन पोल के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं, ओपिनियन पोल पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिया जाता है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक सवाल उठाते हैं। नहीं, एक मिनट, मैं इसीलिए मेरा सवाल ये है कि वो मोदी ब्रांड, अब आप कह रहे हैं कि आप कितनी बार परीक्षा लेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं वो असर नजर नहीं आया, आपको क्या लगता है कि दोबारा फिर रिपीट होगा वो? सुमित जी, जो अभी हाल के चुनाव हुए थे उपचुनाव, उसमें मोदी जी कहीं गए थे क्या? नहीं, सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं उसके बाद इंपैक्ट नजर आता है? इंपैक्ट की बात नहीं होती है, आप किसी के लहर का अंदाजा बैरोमीटर कैसे आप लेके, कोई पैमाना होगा ना, किसी पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तब हलचल होगी ना, आप पत्थर उसमें जा ही नहीं रहे, हलचल पहले आप माप रहे हैं, तो ये मापदंड थोड़ा सा गलत है। और दूसरी चीज, जिस तरह की स्थिति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना वहां पर किसी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता उनके चेहरे को वोट देगी, ये आप मानकर चल रहे हैं। उपचुनाव में वो चेहरा लोगों को क्यों नहीं दिखा सुमित जी? सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं। सुमित जी, मोदी जी नाम है विकास के, नाम है आज लोगों की आस्था के, लोगों को पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो सरकार करती है। मोदी जी अगर जाके आज कोई महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर करेंगे, वो कह रहे हैं ना कि सरकार ने 50 सालों में जो नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष में करेगी और लोगों को विश्वास है।
कि अब तक लोगों को ठगा गया है, जात पंथ मजहब धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई है और सरकार बनाकर लोगों को राज करने की बात, मोदी आज राज करने की बात सत्ता के लिए लोलुप नहीं है, उस सेवा का कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका मिलना चाहिए। और आज हालात क्या हो गए हैं, मैं भी कहता हूं कि जो सर्वे आते हैं वो पूरी तरह से 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन वो इंगित करते हैं कि हवा का रुख क्या है, सुनामी का हुदहुद कहां आने वाला है। पहले से जो भविष्यवाणी की जाती है वो हुदहुद आता भी है, उसका प्रकोप कितना होता है एक पूर्वा अनुमान लगाया। चुनाव में काफी ज्यादा आने लगे, लेकिन दुर्गे जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेनिंग की बात हो रही है, उपचुनाव में कैंपेनिंग नहीं हुई है, हालांकि सुदेश ने कहा कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ ही कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है उनके रिजल्ट आते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उपचुनाव में इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के बारे में जिक्र नहीं किया गया? क्या उनके 100 दिन के शासनकाल के बारे में जिक्र नहीं किया गया? लोगों को उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद नहीं आते? अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाएंगी, प्रधानमंत्री खुद आते हैं उस पर मोहर लगा रहे हैं। जी एक बात मैं कह दूं, दुर्गेश जी पूछ, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, बीच में टोकने की आदत नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है सुमित जी। वहां जो इलेक्शन हो रहा था वहां सत्ता परिवर्तन का इलेक्शन नहीं हो रहा था, यहां जो इलेक्शन हो रहा है वो आम चुनाव है और सत्ता परिवर्तन, वहां एक सीट आप हार जाएं या एक सीट आप जीत जाएं तो वहां सत्ता में कोई फेरबदल होने वाला नहीं था, तो जनता जागरूक है, जनता समझ रही थी कि इनको और करेक्शन करने दीजिए। क्या मांगे जनता 5 साल के लिए वोट नहीं दे रही जी? क्या वहां की जनता 5 साल के लिए वोट नहीं दे रही? नहीं दी है, लेकिन वहां पर एक सीट कम या ज्यादा हो जाने पर विचारणीय बात है, नहीं हम क्यों हारे, दो साल, लेकिन वहां सत्ता 2 साल बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, फिर उसके बाद निश्चित तौर पर होगा, जहां भी आप चुनाव होगा, आम चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महाराष्ट्र में। ठीक है दुर्गे जी, जी दुर्गे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश जी की जो बात है वो उसमें 2-3 तथ्य हैं जिन पर निश्चित रूप से हम लोगों को बात करनी चाहिए। जो बाई इलेक्शंस होते हैं जाहिर सी बात है कुछ सीटों पर होते हैं, लेकिन इस बार जो है सरकार बनने के बाद जिस तरह से बिहार का में हुए चुनाव और उसके बाद जो यूपी और जो 3 लोकसभा और 33 विधानसभा के चुनाव कि जो नतीजे निकल करके आए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर हुई कि देखिए अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमको एक सही तरीके से, ये तो बिल्कुल बात सही है कि गुड गवर्नेंस का एक पर्याय बनकर के वो उभरे हैं, और अभी भी जो जनमानस है जो जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में उमड़ करके आ रही हो, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे महाराष्ट्र की, वो अपने आप में बहुत कहानी कहता है। ये इतनी भीड़ अभी राजस्थान गुजरात के लोग या फिर अगर उत्तर प्रदेश को अगर इस तक साइड कर लिया जाए कि सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं था, राजस्थान के अंदर जो चुनाव हो रहा है या फिर गुजरात के अंदर जो चुनाव हो रहा है वहां पर भी सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं था, बीजेपी क्या वहां पर भी मोदी का चेहरा नहीं दिखाई दे? जो ब्रांड है गुजरात जिसे लेकर आगे बढ़ रही थी बीजेपी, नहीं बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस भूल का एहसास जो है अब पार्टी को हुआ और इसी वजह से वो मतलब यूएस से लौट करके आए हैं, तुरंत उन्होंने एक प्लान बना करके एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनी है और वो एकदम धुआंधार उनकी रैलियां शुरू हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब हम 13 अक्टूबर की शाम को बैठ करके ये परिचर्चा कर रहे हैं तब तक मोदी जी के कैंपेनिंग का एक अच्छा खासा असर हमको जो है वो दिख रहा है, और जाहिर सी बात है कि सर्वे पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सर्वे को आप पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते, एक जैसा दिनेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक इंडिकेशन देता है नहीं, कि खुद हवा का रुख किधर है, नरेंद्र मोदी झुठला सकते हैं तो हम तो फिर उस पर इसलिए हम उन सर्वे की बात देखिए, बात बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी जी या कोई भी उसको ऑथेंटिक नहीं मानता, देखिए जो हारता है वो नहीं मानेगा, जो जीत रहा है वो शांत रह करके और वो देखता है कि भाई चलिए क्योंकि इससे भी हमारे फेवर में एक मोमेंटम बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जो भी कंपनियां या जो भी टीवी चैनल जो सर्वे करा रहे हैं उनका भी एक ग्राउंड होता है, एक साइंटिफिक तरीके से उस चीज को कर किया जाता है, उसको आप टोटली एकदम ऑथेंटिकेट है, ये बिल्कुल जायज सवाल है कितना उनकी ऑथेंटिकेशन कितनी है उस पर, इसलिए हम उस पर चर्चा ज्यादा नहीं करना चाह रहे हैं कि सर्विस किस तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ हो चाहे कांग्रेस की तरफ हो, सवाल वो नहीं है। लेकिन सुदेश जी सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा जब आगे किया जा रहा है, इस वक्त विरोधी कहते हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, हरियाणा की बात कर ली जाए, बिना कप्तान का ये जहाज है, जो सवाल मैंने आपसे अभी से पहले भी पूछा था, फिर ये सवाल जायज क्यों नहीं है? देखिए मुझे लगता है कि विरोधी को अपने स्ट्रेंथ की बात करनी चाहिए,
क्योंकि बीजेपी या कोई भी पार्टी जब भी उतरेगी चुनाव में तो वो अपने सबसे मजबूत फेस के साथ उतरेगी। जैसे आप क्रिकेट में बैटिंग भी करते हैं तो बेस्ट बैट्समैन आता है, इनिंग्स को बनाता है, तो मोदी सबसे अच्छा चेहरा, सबसे प्रबल चेहरा, बिल्कुल। और मोदी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, ठीक है, क्योंकि क्राउड सोनिया के पास भी आती है, लेकिन सोनिया कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो क्राउड को कन्वर्ट कौन कर पाएगा? जो क्राउड के साथ उसके दिल को समझ पाएगा, उससे लिंक कर पाएगा। आप देखिए, आपने अभी दिखाया एक पैकेज जिसमें था कि हुडा साहब भी बोल रहे थे, मोदी जी भी बोल रहे थे। हुडा साहब ने क्या बोला? सत्ता कैसे प्राप्त होती है? इन्होंने क्या बोला? हमें एक मौका दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। दोनों अप्रोच देखिए, आज की जनता जो है ना, सत्ता, आप सत्ता किसकी बात कर रहे हैं? ये लोगों की सत्ता है, सत्ता को सेवा की तरह यूज जो करेगा जनता उसी के साथ। नहीं, नो डाउट, वो एक बहुत अच्छे वक्ता है, इस पर किसी को संदेह नहीं है। सिर्फ वक्ता नहीं, वो सिर्फ वक्ता होने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो जिस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत अच्छा है, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, यहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बाद आगे की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपके पास सेकंड लाइन नहीं है, आप उन नेताओं को आगे नहीं कर रहे हैं जिसको आप कहीं ना कहीं सत्ता में या पद जो है आगे देने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से हुड्डा साहब का चेहरा सामने है, ओम प्रकाश चौटाला का, क्या है, जो भी परिस्थितियां हैं उन्होंने भी आगे कर दिया है। हालांकि वो ठीक है, वो नहीं हो सकता, वो कानूनी बाध्यताएं हैं, वो अपनी एक अलग पक्ष है। लेकिन बीजेपी जिसने सबसे ज्यादा मुखर होकर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखा, प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त जब वो उम्मीदवार थे लोकसभा में, उस वक्त उन्हें प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट किया, वही बीजेपी सेटबैक लेती है, एक कदम पीछे खींचती है, और अब तक उन चेहरों में से किसी का भी चेहरा साफ नहीं है, एक ओस छाई हुई है उस पर, साफ नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलिए। नरेंद्र मोदी जब प्रोजेक्ट हुए प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, मैं हमेशा बोलता हूं, हाड़ मांस के पुतले तो हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी चीज के सिंबल हैं। उन्होंने जो गवर्नेंस मॉडल दिखाया गुजरात में, और वहां से जो उनकी छवि उभरी कि ये नेता जो है परखा हुआ, जांचा हुआ है, और ये काम करने वाला नेता है, और इसीलिए बीजेपी ने उसको शायद प्रोजेक्ट किया प्रधानमंत्री के लिए, और जनता उनके साथ आई। तो उसके बाद अगर गवर्नेंस ही चेहरा है तो कोई भी मुख्यमंत्री बने उससे फर्क क्या पड़ता है? कि एजेंडा तो आपको इंप्लीमेंट करना है, वही जिस पर जनता आपको वोट दे रही है, तो आप किसी को भी बैठा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जब एजेंडा डोमिनेट करेगा, और ये एजेंडा डोमिनेटेड कैंपेन है जो देश के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि देखें जनता गुड गवर्नेंस के साथ आती है या जनता उन्हीं चेहरों के साथ जाएगी जो उन्हें ठगते रहे हैं। तो मुझे लगा एक एक्सपेरिमेंट है और हम लोग सबको इंतजार कर रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क है दिनेश जी, और नहीं लगता कि आपको कि आप लोगों ने ज्यादा बड़ा रिस्क ले लिया? कोई रिस्क नहीं सुमित जी, ये मुझे बताइए कहीं बाध्यता है क्या कि आप अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को घोषित करेंगे? बिल्कुल, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं हमेशा वो करते हैं, वो तो घोषित नहीं करते। नहीं, शायद आप ये, अगर आप चेहरा बनाते हैं अगर मुख्यमंत्री का, शायद आप लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा काम नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं कि वही मैं कह रहा हूं ना, कहीं से अगर मुख्यमंत्री होते सुमित जी, अगर कहीं बाध्यता होती नहीं कि आपको कैंडिडेट घोषित करना है तो भारतीय जनता पार्टी घोषित कर। नहीं, आप ये पार्टियों की अपनी अलग अलग पार्टियों की अपनी अलग अलग रणनीति है, उस रणनीति पर किसी दूसरे को मुझे लगता है सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब परिणाम आएगा तब आप ये चर्चा जरूर कर सकते हैं कि क्या अगर आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया होता, चेहरा घोषित करते, तो क्या ज्यादा सफलता, वो विषय हो सकता है, लेकिन एक पार्टी की अपनी रणनीति है सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उस रणनीति में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती हुई दिख रही है। और एक चीज और, अभी जो हुड्डा साहब की बात कर रहे थे, सुदेश जी ने चर्चा भी की कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है, वो दिखा ना कि सत्ता का, ये तो पूरी सरकार ही असंवैधानिक हो गई ना, हाई कोर्ट का निर्णय है कि जिन 5 विधायकों की सदस्यता जो है समाप्त हो गई, जिनकी बदौलत सरकार चली और जो निर्णय लिए गए, इसका मतलब वो सारे के सारे निर्णय असंवैधानिक। वो सरकार कैसे चलती है, सत्ता कैसे प्राप्त होती है, ये हुड्डा जी ने बताया। हुड्डा जी ने ये भी बताया कि कैसे जीजा जी को फायदा पहुंचा कर सकते, लेकिन अब राजनीतिक जागरूकता आ गई सुमित जी, जिसकी चर्चा बार बार की गई, अब जनता जागरूक हो गई, अब जनता सिर्फ झूठे वादों पर, जात मजहब पंथ बिरादरी के नाम पर बांटकर आप सत्ता नहीं आती आ सकते हैं। अब जो सेवक होगा, जो विकास करते हुए दिखेगा, जो विकास करना चाहेगा, जो जनता के सुख दुख में शरीक होगा, जनता उसके साथ जाएगी, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जिसके साथ अब जनता जाना चाहती है। आज वही हश्र हुआ है, आप देखिए हरियाणा में जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, डेरा सच्चा सौदा की, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, सिंह संगत
कि कश्मीरा सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को सिख समुदाय के साथ जाना है, एक भेद चल रही है और निश्चित तौर पर चाहे वो सिख संगत हो चाहे डेरा सच्चा सौदा, आने के बाद जो इनका डेरा उखड़ने वाला था मुझे लगता है सभा सर्वदा के लिए उखड़ जाएगा। नहीं, राम रवि सिंह जी चलिए ठीक है, बीजेपी के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करने के बाद हरियाणा के अंदर जो नई तरीके की पॉलिटिक्स सामने आ रही है, गठबंधन की जो बात है, भले ही राम रहीम सिंह जी आपकी तरफ आ गए हों लेकिन बादल अलग तरीके से पॉलिटिक्स वहां पर कर रहे हैं, वो कौन सी पॉलिटिक्स है, वो किसके साथ जा रहे हैं? देखिए वो सिख समुदाय की बात नहीं, बादल के भारत, अब बादल को बरसने की बात वहां नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी चीज, नहीं होना होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन सवाल यह है कि जब आपके गठबंधन के लोग दूसरे के मंच पर दिखते हैं, जब आपकी विरोधी पार्टी है वहां पर सवाल उठते हैं ना सुमित जी। हाँ, यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी आदमी किसी दल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है, किसी सिंबल से अलग होकर निर्दल लग सकता है, बिल्कुल उसी तरह से, उसी तरह से और शशि थरूर मोदी की तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वहां पर एक्शन हो जाता है और यहां अब तक चुप्पी साधी हुई। सुमित जी, इसी तरह से लोग अपने कैंडिडेट किसी के पास, मतदाता वही एक होता है ना, कैंडिडेट उनके पास जाते हैं ना, किसी को भी अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है भारतीय राजनीति में, तो लोग स्वतंत्र रहे अपनी बात कर रहे हैं, ये फैसला जनता को लेना है, ठीक, जनता अपना मन बना चुकी है। दिनेश जी क्या बात कर रहे हैं, अगर मान लो आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति आकर इस वक्त आईएनएलडी के पंच पर पहुंच जाए तो क्या बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी? पार्टी और उसमें दोनों में बहुत अंतर है। सवाल नहीं, अगर एक साथ लामबंदी इस तरीके से हो रही है और उस जगह पर जहां पर कहीं ना कहीं इनेलो और हरियाणा के, अब मैं सर्वे की अगर मैं कुछ जरूर यहां पर बात करूं, ये मत कहिएगा कि आप क्यों बात कर रहे हैं, सर्वे के अंदर तो बीजेपी और आईएनएलडी लगभग एक जैसी परिस्थितियां इस वक्त हरियाणा में दिखा रहे हैं, और उसी के मंच पर अगर आपके सहयोगी पहुंच रहे हैं आप सवाल ना करें ऐसा हो सकता है? मैं बोलूं इस पर सुमित जी। जी देखिए, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल और चौताला जी इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छा पर्सनल इक्वेशन शेयर करते हैं, बिल्कुल, और ये एक प्रश्न चिन्ह मेरे तरफ से उठता है कि क्या आपके पर्सनल रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आप गवर्नेंस इश्यू के बारे में बात नहीं करिए? हालांकि भारत के प्रदेश में देखिए आप तो दोस्ती निभा रहे हैं और उन्हें कहीं कहीं ये खतरा भी लगता होगा कि हो सकता अगले बार जब पंजाब में असेंबली चुनाव हो तो बीजेपी वहां उनके साथ ना जाए क्योंकि वहां बीजेपी हारी है और कारण मोस्टली शिरोमणि अकाली दल रहा है, तो ये भी एक फैक्टर होगा, दोस्ती भी निभा रहे हैं लेकिन लोग ये क्वेश्चन करेंगे। बीजेपी के जिस तरीके से अब गठबंधन टूटे हैं उसी को कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटेड रिस्क के तौर पर अकाली दल अपने आप में उसमें नाप रही है कि कहीं ना कहीं नंबर उसका ना हो, बिल्कुल सुमित, आपकी विश्वसनीयता कम हुई है लेकिन गठबंधन के तौर पर। प्रश्न चिन्ह सुमित आता है शिरोमणि अकाली दल पर भी कि जब देश एक निर्णायक दौर पर पहुंच रहा है जहां वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है, इश्यूज की बात कर रहा है, वहां पर्सनल रिलेशन को इतनी अहमियतता देंगे, तो आप देखिए यही नरेंद्र मोदी है, जहां कोई नेपोटिज्म नहीं, कोई भाजपातीजावाद नहीं, और वहां दूसरी तरफ आप देखिए चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, कांग्रेस हो, चाहे वो अकालीज हो, ये पूरे भरे हुए हैं भाई भतीजेवाद से। ठीक दुर्गा जी, ये जो कैलकुलेटेड रिस्क जहां पर नापा जा रहा है अगर अकाली दल के जहन में, क्या ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन टूटे हैं, एक विश्वसनीयता गठबंधन के लिहाज से बीजेपी ने इस दौर में कम से कम खो दी है, एकला चलो की जो नीति की आप बात कर रहे थे इससे पहले? देखिए बिल्कुल एक बात उत्तर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के इशू पे चुनाव लड़ना चाहती है उसको लगातार प्रोजेक्ट भी कर रही है और उसका जो एक सिंबल है, बहुत बड़े सिंबल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको कि चुनाव में उनकी धुआंधार रैलियां हुई हैं और उसमें एक अच्छा खासा क्राउड जो है वो आया है, एक बहुत अच्छे क्राउड कन्वर्टर वो बिल्कुल इस चुनाव में साबित हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिन पार्टियों से जो है एनडीए का गठबंधन रहा है, उन जो गठबंधन के जो छोटे छोटे दल हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका एक जो विश्वास है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि अगर आप शिवसेना का साथ छोड़ सकते हैं तो इसका मतलब कि आप किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, और हरियाणा में भी जो ये जिस तरह के एनवायरमेंट में वहां चुनाव हो रहा है, जो गुड गवर्नेंस के नाम पर वहां भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, एक निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा, वो क्या करेगी, और इससे उसके जितने भी सहयोगी दल हैं वो भी सकते में है, वो भी उसको अपने लिए सेफ पैसे चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने हजिका से भले शुरुआत की हो दिनेश जी, लेकिन अगर शिवसेना से आपका गठबंधन टूटा है उसका इम्पैक्ट जो है पंजाब तक पहुंचा है, ये उसी का नमूना है जो बादल इस वक्त आईएनएलडी के मंच पर दिख रहे हैं। सुमित जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया गठबंधन धर्म निभाना कोई पार्टी नहीं जानती है, अभी भी जो
उसका कारण है। आप कहीं भी देखिए, जहां जहां भी हमारा गठबंधन रहा है, हमको अफसोस है। हम आज भी कहते हैं शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने का अफसोस है। तब तक बीजेपी के बहुत अच्छे चले जब तक आपका शीर्ष नेतृत्व दूसरा था। 2014 में आपका शीर्ष नेतृत्व बदला और उसके बाद आपकी गठबंधन नीति बदल गई और परिणाम सबके सामने। यही चीज अगर मैं दूसरे पार्टी के बारे में कहूं, अगर यही चीज मैं शिवसेना के बारे में कहूं कि जब तक वहां पर शीर्ष नेतृत्व दूसरा था तो गठबंधन, ये भी आप कह सकते हैं ना। आप घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नेतृत्व बदला इसलिए ऐसा हो गया। मैं कहता हूं उनके यहाँ नेतृत्व बदला इसलिए हो गया। और जिस हजका की आप बात करते हैं, हमारे साथ उनका गठबंधन था, हम वो चुनाव में साथ साथ गए हरियाणा में, लेकिन उनकी उपलब्धि क्या रही उस चुनाव में? मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व होते हुए भी उनकी वजह से क्या लाभ मिला? हम उनके साथ भी जाना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हठधर्मिता कहीं होगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीमा तक ही उस हठधर्मिता को स्वीकार करती है। और जहां तक बात आप दूसरे दलों के साथ करें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का उन दलों के साथ गठबंधन है और भविष्य में भी उन दलों के साथ गठबंधन। सुदेश जी चलिए ठीक है, ये जिस तरीके से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं दिनेश जी, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन यह है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट तो डालेगा। कोई जरूर यह सवाल पूछेगा या कोई भी जो जनता है उनके जहन में सवाल जरूर होगा कि आरएलडी के मंच पर अगर बादल जा रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि जाहिर है अगर बात की जाए, शायद सिटीज के अंदर इतनी किसी राजनीतिक परिचर्चाएं नहीं होती हैं जितनी कहीं ना कहीं एक पंचायत में या किसी गांव में या देहात में जितनी होती हैं। हर कोई बारीक नजर रखता है उन तमाम चीजों पर। देखिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, चूंकि वो उस मुकाम में पहुंच गए हैं, वो कुछ देश के लिए बहुत बड़ा करना चाहते हैं और शुरू से ही जब वो मुख्यमंत्री भी थे यही उनका मोटिवेशन था। अब उन्हें जो भी बैगेज लगता होगा, चाहे वो पार्टी के अंदर बैगेज लगे करप्शन चार्जेस के कारण या उसके इमेज अच्छे ना हो या बैगेज एलाइज में लगे, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप शिवसेना के साथ रहते, उनका मुख्यमंत्री रहता, तो क्या नरेंद्र मोदी अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट कर पाते? हचका की आपने बात की तो कुलदीप सिंह बिश्नोई की इमेज के बारे में क्या कहना, वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। तो एक ना बैगेज को लेकर नहीं चलना चाहते, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है डिलीवरी का। और जब वो जिस 65% युवा की बात करते हैं, वो युवा एक नया देश चाहता है जहां नेपोटिज्म नहीं हो, जहां करप्शन नहीं हो, जहां भाई भतीजेवाद से ऊपर उठ के लोग देश के बारे में सोचें। तो नरेंद्र मोदी के पास इतना बड़ा एजेंडा है तो वो किसी का बैगेज क्यों लेंगे? वो युवा ये सवाल भी तो पूछेगा ना कि आखिर आपके सहयोगी दूसरे के मंच पर जा रहे हैं तो क्या आपके सहयोगी आपके एजेंडे से सेटिस्फाई नहीं है? आपकी जो पूरी जो जनता है उसे आप सेटिस्फाई कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछेगा। कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी आज बहुत ज्यादा है। इन नेताओं की जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही नहीं, आपको भी पता है, सब फंसे हुए हैं करप्शन केसेस में। वो क्या पूछेंगे किसी से? जो व्यक्ति पूछ पाएगा वो वही व्यक्ति है जो पारदर्शिता के साथ काम किया है पब्लिक लाइफ में। नरेंद्र मोदी पर जितना अटैक हुआ उसके बाद भी जिस तरह से विक्टोरियस इमर्ज किए हैं मोदी वर्सेस सिचुएशन बिल्कुल उभरी हो। मैंने शुरुआत में ही कहा कहीं ना कहीं वही परिस्थितियां हैं जो लोकसभा चुनाव में बनी थी, मोदी वर्सेस ऑल वाली। लेकिन सवाल यह है कि वही मोदी मैजिक अब रिपीट होता है या नहीं, यानी लोकसभा चुनाव का क्या रिपीट टेलीकास्ट विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वही सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, विधानसभा चुनाव में भी क्या चलेगी मोदी की लहर? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वही सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल कल आपसे पूछा था, क्या आप तूफान से निपटने की सरकार की तैयारियों से संतुष्ट हैं? इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें ज्यादातर का मानना है हां, यानी 77.6% का, वहीं 22.4% का नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।